सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई सोशल साइंस का ऑफिशियली मॉडल पेपर में जितने भी 70 क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी 70 क्वेश्चनों का सिंपल तरीके से आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला जो सवाल था वो हिस्ट्री से लिया गया था और सवाल में बोला गया था कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। यही सवाल को मैट्रिक एग्जाम में ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम एवं एकता का संचार करती है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो आसान तरीके से इसका आंसर लिखिएगा कि क्रांति के पूर्व अर्थात क्रांति के पहले रूसी किसानों की स्थिति काफ़ी ही दयनीय हो गई थी। उन सभी किसानों के पास पूंजी का अभाव था, अर्थात पूंजी नहीं था, जिसके कारण सभी किसान लोग कर्ज को बोझ से काफ़ी ही दबे हुए थे। उसके बाद में अगला सवाल है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। मैट्रिक एग्जाम में जितने भी सवाल है दो नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आप सभी को शॉर्ट आंसर बता रहे हैं ताकि सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद हो सके और मैट्रिक एग्जाम में जैसे ही सवाल पूछा जाएगा आप आसानी तरीके से उसका आंसर लिख पाइएगा। तो सवाल में बोला गया है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कानून का ध्वजिया उड़ाना था। अतः महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम पहुंचकर दांडी यात्रा की शुरुआत की और दांडी यात्रा में हुआ क्या था कि समुद्र के पानी से नमक बनाया गया था और उसी नमक बनाकर नमक कानून को भी तोड़ा गया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के मैट्रिक एग्जाम में ऐसे बनते हैं कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून को तोड़ा गया था। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं नमक सत्याग्रह कब हुआ था या नमक कानून को कब तोड़ा गया था, नमक कानून किसके द्वारा तोड़ा गया था। तो प्रत्येक स्थिति में 1930 ईस्वी, याद रखिएगा 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन का संचालन किया गया था जिसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 से 32 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसमें देश के पूरे भारतवासी इसमें शामिल हुए थे और इसी आंदोलन के दौरान समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार के कानून के धजिया उड़ाया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। यहाँ भी याद रखिएगा ये जो लिखा गया गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो आसान भाषा में इसका आंसर लिखिएगा कि गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। यहीं से मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो आप इसका आंसर लिखिएगा कि गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। जैतून पेरने के मशीन के आधार पर बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद किया था। इस छपाई मशीन में पेज की सहायता से लंबा हेड लगा हुआ था। भैंस को घुमाकर प्लाटेन बोर्ड काडी या इस्पात का गीलो कागज का दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों के एवं धातु आकृतियाँ को ढाला जाता था। इसीलिए गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल को ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के सभी जीवन के सभी क्षेत्रों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यानी भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है कि विश्व के सभी देश जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में मजदूर के हित के लिए, हितों की रक्षा के लिए सन 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था।
अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कमेटी एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी और यही सन 1920 ईस्वी में ही पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था और उसी के साथ एक और आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम पड़ा था खिलाफत आंदोलन। और यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछेगा तभी इसका सही जवाब 1920 होगा, नहीं तो बोल दिया जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो वहाँ पे 1920 ना होकर 1985 हो जाएगा। याद रखिएगा 1985 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री का दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न दो पूछे जाते हैं जिनमें से आप सभी को एक प्रश्नों का ही उत्तर देना पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों का सिंपल तरीके से आंसर जान लेते हैं। सवाल में बोला गया है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, तो आसान भाषा में आंसर लिखिएगा कि आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। नए नए मशीनों और कारखानों को स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है और औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार का भी साथ वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं दोनों आवश्यकताओं ने यूरोप के लोगों को अपने देश से बाहर दुनिया में पैर फैलाने को लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सभी पीडीएफ को फ्री में दे दिया जाता है, वहाँ आप सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैथ एंड मैजिक टिप्स मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, उस एप्लीकेशन में ढेर सारे क्विज बना दिए गए हैं, क्विज खेल सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं या वेबसाइट questionforexam.com पे भी जाके ऑनलाइन टेस्ट देकर क्विज खेलकर आप अपने तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। अगला जो सवाल था कि रूसी क्रांति के कारणों का विवेचना कीजिए, यानी रूस में जो क्रांति हुई थी जिसका नाम पड़ा था रूसी क्रांति, तो इसी के बारे में आपको विवेचना करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि रूस में जो क्रांति हुआ था उसका क्या क्या कारण था। तो सबसे पहले आप रोमन नंबर में एक में लिखिएगा कि जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जार निकोलस द्वितीय एक द्वंद्वात्मक नीति का संरक्षक था, वह राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था, वह केवल अभिजातीय वर्ग एवं उच्च पदाधिकारियों का ही समर्थन प्राप्त था, उसकी पत्नी भी घोर प्रतिक्रियावादी औरत थी, वह समय राष्ट्रपुतिन की इच्छा ही कानून थी, वह नियुक्तियों तथा शासन के अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करती थी यानी दखलंदाजी करती थी, गलत सलाहकार के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति काफ़ी ही दयनीय होती चली। आसान भाषा में जान लीजिए कि जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन का मतलब हुआ कि जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था, उसको वहाँ के जो जनता थी ना, जार का मतलब रूस के जो जनता थी, उनका इसको जरा भी ख्याल नहीं था, देश में भूखमरी और चरम सीमा पर पहुँच गई थी, लेकिन जार निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी स्थिति सुधारने के पक्ष में नहीं थी। यही कारण था कि रूस में की जनता की जो स्थिति थी ना वो काफ़ी दयनीय हो गई थी। उसके बाद में आप रोमन नंबर दो में लिख सकते हैं कि कृषकों की दयनीय स्थिति, तो जानिए जान लेते हैं कृषकों के बारे में दयनीय स्थिति उनकी क्या हो गई थी। आसान भाषा में आंसर लिखेगा 1861 ईस्वी में कृषि दासत्व को समाप्त कर दिया गया था, परंतु किसानों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। यानी बात देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक सवाल बनते हैं कि कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी की बात है जब कृषि दास तत्व किसको समाप्त कर दिया गया था, किंतु अभी भी किसानों की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार नहीं हुआ था, बहुत सारा परिवर्तन करना भी बाकी रह गया था। रूस की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग भूमिहीन था, यानी भूमि उसके पास नहीं था, जिन्हें जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था, इन कृषकों को कई तरह के करों का भुगतान करना भी पड़ता था, उसके पास यानी उन सभी कृषकों के पास पूंजी का काफ़ी अभाव था, काफ़ी कमी था। ऐसी परिस्थिति में भी किसानों के पास क्रांति के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था।
अगला सवाल है मजदूरों की दयनीय स्थिति। आइए जान लेते हैं रूस के मजदूरों की दयनीय स्थिति का क्या कारण था। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि रूस के मजदूर को काम एवं मजदूरी के आधार पर अधिकतम शोषण किया जाता था, यानी रूस के जितने ही मजदूर थे उन सभी मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम भी लिया जाता था और उनका शोषण भी किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, अर्थात मजदूर लोग राजनीतिक चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, सत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, यह अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। आज हम लोग भारतवासी क्या करते हैं, कोई भी कानून अगर हम लोगों को गलत लगता है ना तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके आंदोलन के सहारे सरकार से अपनी बात को मनवाते हैं। लेकिन रूस में ये सभी मजदूरों को यह हक नहीं था, अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल नहीं कर सकते थे और ना ही मजदूर संघ बना सकते थे और ना ही सभी मजदूर मिलकर एक संगठन भी नहीं बना सकते थे। रूस मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था तथा जारशाही की अंकुशता को समाप्त करने के लिए सर्वहारा वर्ग शासन स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद में आप जान लीजिए औद्योगिकरण की समस्या क्या थी। तो औद्योगिकरण की समस्या थी कि रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, रूस में राष्ट्रीय पूंजी का काफ़ी कमी हो गया था, अतः उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी तथा उद्योग को डेवलपमेंट करने के लिए विदेश के जितने भी पूंजी आ रहे थे सभी रूसवासी उसी पर निर्भर रहने लगे। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, यही कारण था कि लोगों में असंतोष व्याप्त था और ये भी बहुत बड़ा कारण था रूस में क्रांति होने के लिए। उसके बाद में आइए जान लेते हैं रोमन नंबर 5 में लिखिएगा जापान से पराजय तथा 1905 ईस्वी की क्रांति। बात है 1905 ईस्वी की, जब रूस जापान में युद्ध शुरू हो गया था और जिसमें रूस की बहुत ही ज़्यादा भारी हार हो गई थी, एशिया के एक छोटे से देश हो गई थी रूस। इस पराजय के कारण सन 1905 ईस्वी में क्रांति हो गई थी। इसी क्रांति के अंत 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था, यानी 1905 ईस्वी में जो एक क्रांति हुई थी जापान जो जापान और रूस के बीच में हुआ था, जिसमें जापान ने रूस को पराजित कर दिया था, जिसके कारण रूस जो था एक बहुत ही शक्तिहीन देश, एक छोटा सा अंग बनकर रह गया था, जिसके कारण रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं, बोला जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो जब ये क्रांति हुई थी ना उसी के तुरंत बाद सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था, और किसने किया था तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। जापान से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। तो याद रखिएगा उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। सवाल बोले जाते हैं बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ये सभी क्वेश्चन हिस्ट्री अर्थात इतिहास से लिया गया था। आइए जान लेते हैं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेटल पेपर में दिए गए हैं सभी का सलूशन देख लेते हैं। तो जो पहला सवाल है, बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, अर्थात बिहार में जो भी छात्र आंदोलन हुए थे उसके जो मुख्य कारण थे वो क्या क्या थे, यही आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो आसान तरीके से आंसर लिखिएगा कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब कारण यहाँ पे रोमन नंबर 1 से लेकर 5 तक दर्शा दीजिएगा। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार। रोमन नंबर 2 में लिखना होगा खदानों की कमी, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, सत्ताधारी दल द्वारा जनता की उपेक्षा, कानूनी व्यवस्था की गिरती हुई अव्यवस्था। तो ये जितने भी कारण हैं यही कारण था कि बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं सांप्रदायिकता एवं धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है। ये सवाल मेट्रिक एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछे जाते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है। आसान भाषा में जान लीजिए सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊँचा मानना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदान भी देना सांप्रदायिकता कहलाता है। आसान भाषा में जान लीजिए कि जब एक जाति और एक ही धर्म के लोग दूसरे जाति और दूसरे धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं, अपने से घटिया समझने लगते हैं तो उसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिक धर्म के नाम पर घृणा फैलती है, यह एक विष के समान है जो मानव को मानव से घृणा कराना सिखाता है। यह संकुचित मानव वृत्ति के कारण एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों का अथवा एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को खून के प्यासे हो जाते हैं। ठीक है,
सांप्रदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों का दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगा जो होता है होने लगता है जिससे सांप्रदायिक दंगा होने लगता है जिसके कारण राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ने लगती है। देखिए, अब जाहिर सी बात है, जब एक देश के लोग आपस में ही झगड़ने लगेंगे तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय एकता में खतरा भी उत्पन्न पड़ सकती है। जितने भी पड़ोसी मुल्क है वो बेचारा सब तो चाहता है कि यहाँ पे दंगा भड़के ताकि हम लोग उसका सहारा लेकर और उस देश को बर्बाद कर दें। तो इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता भी खतरे में पड़ जाती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा भी साबित हो सकती है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया है। उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान में हर नागरिक एवं स्वतंत्रता दी गई है जो अपने में विश्वास व किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है, अर्थात अपने कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। इस आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं किया जाता है। प्रत्येक धर्म वालियों ने धर्म का पालन करना अथवा संपूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करना का सबको अधिकार है। उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं ग्राम पंचायत के दो कार्य क्या होते हैं। आसान भाषा में लिखिएगा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम सन 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची बनाई गई है। ग्राम पंचायत के चार कार्य प्रमुख निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं ग्राम पंचायत के जो चार कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समान कार्य के बारे में। समान कार्य लिख दीजिएगा और डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, प्राकृतिक संकट के सहायता प्रदान करना, सामुदायिक कार्यों का सहयोग देना, ये होता है पंचायत राज का समान कार्य। उसके बाद में जान लेते हैं सार्वजनिक कार्य सुविधा एवं संबंधी कार्य क्या होता है। तो पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क भवन नाली पुलियों इत्यादि का निर्माण करना, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना, ये होती हैं सार्वजनिक सुविधाएं संबंधित कार्य। उसके बाद में जान लेते हैं शिक्षा संबंधी एजुकेशन के रिलेटेड कौन कौन से कार्य होती हैं। तो वो होती हैं प्राथमिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा में सहभागी बनना, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण पुस्तकालय एवं वनचालय का संचालन करना, ये है शिक्षा संबंधी कार्य। उसके बाद में जान लेते हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्य क्या है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, परिवार कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना, ये है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्य। उसके बाद में अगला सवाल है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। आसान भाषा में इसे लिखिएगा कि नागरिकों द्वारा किसी काम काज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की प्रक्रिया को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। जैसे में चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, ये सब जितना ही सत्ता में साझेदारी होने का प्रमुख उदाहरण बन सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। गठबंधन की जो राजनीतिक है, आप सभी को मालूम होगा गठबंधन में जैसे दो तीन दल आपस में मिलकर और सरकार का गठन करते हैं और सत्ता प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं, उसे बोलते हैं कि ये गठबंधन की सरकारें हैं। तो ये बोला गया है कि गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, कैसे खतरा पहुंचाती है। तो आसान तरीके से आंसर लिखिएगा कि गठबंधन में शामिल दल अपनी आकांक्षाओं को लाभ को ध्यान में रखकर ही गठबंधन के लिए राजी होती हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है, सरकार को कल्याणकारी काम काज चलाने में भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में है कि भारत में जातिवाद बनने के किन्हीं चार कारणों को लिखें, यानी भारत में जातिवाद बनने के किन्हीं चार कारणों को आप कैसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि प्राचीन काल में केवल दो ही जाति मर्द और औरत अर्थात स्त्री एवं पुरुष हुआ करते थे। प्राचीन काल की बात है, कितनी अच्छी सभ्यता थी, जब यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष अर्थात मर्द और औरत के बारे में बात की जाती थी। आगे चलकर क्या हुआ कि आगे चलकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के रूप में जाति का विभाजन कर दिया गया था। इस प्रकार की जाति कर्म के पद पर आधार हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ था कि वंश एवं कुल के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया गया था। आधुनिक युग में जातियां के अलावे अनेक प्रकार की उपजातियां भी बन गई थी जिनके अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावे धर्म के आधार पर जातियों का वर्गीकरण भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत में जातिवाद के किन्हीं चार कारणों का इस प्रकार से आप वर्णन कर सकते हैं।
तो हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई ऑफिशियली मॉडल पेपर में सोशल साइंस का हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी क्वेश्चनों का सिंपल तरीके से सोल्यूशन हम आप सभी को बता दिए हैं। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सही वीडियो को बारी बारी से देख सकें। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यार जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक questionforexam.com का लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके सही मॉडल पेपर का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।